गेहूं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश में गेहूं का रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। वहीं गेहूं महंगा होते ही आटे की कीमत में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। अब एक किलो आटे की कीमत 40 रुपए से ज्यादा हो गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि अभी गेहूं की नई फसल आने में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। ऐसे में गेहूं के भाव में और इजाफा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। कृषि जानकारों का कहना है कि गेहूं के भाव में उछाल आने से जिन किसानों के पास पहले से गेहूं का स्टॉक रखा है, वो अब इसे मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। साथ ही ब्रेड, बिस्किट और आटे से बनाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ अब महंगे हो सकते हैं। कृषि जानकारों का कहना है कि अब गेहूं की नई फसल आने के बाद ही रेट नीचे गिर सकते हैं। वहीं इन फसलों की कटाई अभी अगले साल मार्च अप्रैल में शुरू हो सकती है। पिछले हफ्ते खबरें निकलकर आई थी कि आटा कुछ सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि गेहूं का कुल रकबा एक साल पहले की तुलना में 3.59% बढ़कर 325,10,000 हेक्टेयर पहुंच गया है, जिसके चलते उम्मीद की गई थी कि कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन फिलहाल कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। रबी फसलों की बुआई अब समाप्त होने की ओर है। बीते शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है कि रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई अक्टूबर से शुरू हो गई थी। मक्का, ज्वार, चना और सरसों अन्य प्रमुख रबी फसलें हैं और इन फसलों की कटाई भी अगले साल मार्च अप्रैल में शुरू होगी। यानी फिलहाल गेहूं की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।